अच्छा हम ऐसा करते नहीं है, आपको क्रिटिसाइज कर देता है, आपको मतलब सैड कर देता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं। मेरा नाम काशिफ है और मैं आपको अपने चैनल रियल लाइफ एक्सपीरियंस में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है, जिसमें बहुत कुछ सीखने को आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि किसी ने नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, कुछ नहीं होता, फ्री है, और लाइक भी कर दें और घंटी के बटन को दबा दें, हो सकता है कि आपको आने वाली वीडियो काम की हो, ठीक है। तो ये वीडियो तो यकीनन आपके बड़े काम की है, क्योंकि ये मेरे बड़े काम की हुई थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट कर लें, चलें आप वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक लाइफ एक्सपीरियंस देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट कर लें कि आपके मोबाइल पे एक मैसेज आए, ठीक है, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, आपके मोबाइल में मैसेज आए कि आपको 86,400 रुपीज़ और दिरहम और पाउंड और वॉट एवर, ठीक है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, मतलब ये अकाउंट में आ चुका है, ठीक है, डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ पता नहीं, लेकिन आ चुका है आपके अकाउंट में, ठीक है। अब होता यह है कि आपके अकाउंट में तो आ गया, आपने कोई एफर्ट नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब एकदम से आपको एक और मैसेज आता है, ठीक है, जिसमें वो कहते हैं कि भाई कि 20 रुपीज़ आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, 86,400 रुपीज़ आपके अकाउंट में आए, आपको मैसेज आया, आप कुछ भी नहीं किया था, एकदम से कुछ यू नो आपको मैसेज आया कि भाई 20 रुपीज़ भी डिडक्ट हो गए हैं, अब आप क्या करेंगे। 99% ऑलमोस्ट 100% लोग कहेंगे, अरे यार दफा करो यार, क्या करना है 20 रुपए का, ठीक है ना भाई, हमारे पास 86,380 रुपीज़ तो मौजूद हैं, तो उसका कुछ ना कुछ किया जाए, ठीक है, आप भी यही करेंगे। लेकिन हकीकत कुछ ऐसी है कि हम रियल लाइफ में ऐसा करते नहीं हैं। अच्छा हम ऐसा करते नहीं हैं। अच्छा आपने एक मुहावरा तो सुना होगा कि टाइम इज़ मनी। सो वो जो मैंने आपको 86,400 बोला था जो आपके अकाउंट में आए हैं, वो एक्चुअली आपका एक दिन में जितने सेकंड होते हैं ये उसको बोलते हैं, ठीक है। तो टाइम इज़ मनी मीन्स ऑफकोर्स 86,400 मनी आपके अकाउंट में आ गए हैं, आपको ज़िंदगी मिल गई है, ठीक है। अब होता ऐसा है कि हमें पूरे 86,400 सेकेंड्स में, ठीक है, हमें कोई इंसान 20 सेकंड के लिए कोई बुरा बोल देता है, कुछ प्रॉब्लम्स बोल देता है, कुछ स्ट्रेस दे देता है, कोई हेडेक दे देता है, जॉब में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, वर्क एनवायरनमेंट में, घर में, हस्बैंड मियाँ बीवी जो भी, 20 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए कोई आपको बुरा बोल देता है, आपको क्रिटिसाइज़ कर देता है, आपको मतलब सैड कर देता है, ठीक है। आप वो 20 सेकंड जो आपके ऊपर बुरे गुजरे होते हैं, आप अपने 86,400 सेकंड जो आपके बकाया हैं, 86,380 सेकंड, उनको आप बर्बाद कर देते हैं उस 20 सेकंड के बारे में सोच सोच के। मेरा सवाल ये है कि जब 86,400 रुपीस में से 20 रुपये कोई लेके चला गया था, या मतलब डेबिट हो गए थे, आपके अकाउंट से निकल गए थे, तो आपने उस टाइम पे क्यों नहीं किया था? क्योंकि उस टाइम पे आपको फिज़िकल मनी का एहसास हो रहा था कि यार नहीं, 20 कुछ भी नहीं है, 86,380 बहुत बड़ी चीज़ है, उसका मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो इसी वजह से एक दिन में अगर 86,400 सेकंड में से 20-30 सेकंड का कोई आपको बर्बाद कर देता है, तो आपको अपने 86,380 और 70 सेकंड का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अच्छा अब सवाल ऐसा होता है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते, इतनी बड़ी चीज़ है, हम ऐसा क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते, मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा और वो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो होगी, यकीन मानिए। ये छोटी सी वीडियो थी, ज़रा इस पर ज़रा सोचिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या आप भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। चलें जी इस वीडियो को रैप अप करते हैं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, अगर इसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छा पता चला है तो फॉरवर्ड करें और लोगों को बताएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।